माइक का माइक की जरूरत नहीं। तो हेलो गाइस, कैसे सबसे लोग मेरे सबसे सब ठीक होगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं स्कूल से तो आ चुका हूँ एग्जाम देने के बाद। मैं जैसे मैंने आपको कल बोला था कि मेरा आज फर्स्ट एग्जाम, 11th फाइनल्स चल रहे हैं। और आगे देखो, बहुत अच्छे सरप्राइजेस मिलने वाले, मतलब कहीं जाने का प्लान है, वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा। तो चलो, अभी तो ये आदित्य मतलब मेरा फ्रेंड मिला, स्कूल जा रहा है। ओपन हाउस है हमारा। व्हाट ओपन हाउस? तो देख ये कुछ बुक्स लिए, तो थोड़ा दिखा सकते हो मतलब क्या चेकिंग वेकिंग कराने के लिए लेके जा रहे हो? हाँ जी श्योर। तो ये देखो, ये मैथ की लैब मैनुअल है, ये पहले से चेक है, पर मैम को भरोसा नहीं लगता है तब जो पर कंप्लीट की है कि नहीं। और ये है अपना फेशियल का, ये देखो पजल सॉल्वर की, ना फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए पता कैसे की खोलना है। दो, ना। मतलब ये चेकिंग कराने लेके जा रहे हैं। हाँ तो ये चेक कराने लेके जा रहे हैं, मतलब बेसिकली मतलब मैम को रिकॉर्ड करना हार्ड, और ऊपर से बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं तो मार्क्स भी चाहिए होता है। एक और मेरे साथ एक और फ्रेंड है, पर वो कैमरा फ्रेंडली नहीं, डर लगता है उसको, हो रहा है इसका भाई। तो मतलब आजकल क्या मैम को भरोसा नहीं आता, मतलब ऑफ कोर्स नहीं रहे, होना नहीं चाहिए मैम को, क्योंकि आजकल हम लोग भी नोटबुक कंप्लीट करते नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कोरोना चल रहा है। तो कोरोना के टाइम पे अभी कोई बच्चा, तो ये जा रहा है, पता नहीं कौन है। तो ऐसे ब्लॉग में लोग आते, मतलब सोसाइटी में ऐसे लोग हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब ब्लॉगिंग के लिए मस्त तुम लोग को कंटेंट मिल जाएगा। तो ऐसे चिड़ा के जाते, मतलब होता मजा आता है। राज इतना डर रहा था कि पूछो मत। ओ माँ, क्या आपको स्कूटी चलानी आती है? तो चलो, अभी तो हम अभी मेरी एडिटिंग बाकी, एडिटिंग करते उसके बाद मिलते हैं। तो मतलब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा मतलब क्या है। ओ ये बच्चा स्कूटी सीखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे तो आती होगी, मतलब मेरे को लगता है आती तो होगी स्कूटी चलाना। कैन आई हेल्प यू? ये अगर आपको स्कूटी चालू नहीं करना आता हो, फर्स्ट ऑन दी की, ये वाला नहीं, राइट साइड का ब्रेक दबाइए, तो अब थोड़ा चला के दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको भी स्कूल लेके जानी चाहिए गाड़ी। ओके कोई बात नहीं। तो मैं मतलब नीचे पूजा वूजा करके तो मैं घर पे आके पढ़ने लगा था, क्योंकि मंडे को इको का एग्ज़ाम है ना, तो इसके लिए। तो उसके बाद मैं चला गया ट्यूशन, मतलब मैं बनाया तो नहीं पर भूल गया था, मतलब इतना अभी आदत थी नहीं ना, अब आदत डालनी पड़ेगी, बीच में छूट गई थी ना ब्लॉग बनाने की। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ डांस क्लास, मतलब थोड़ी देर के लिए, 7 बजे तक तो मैं आ जाऊँगा, अभी 6:05 हो रहे हैं। ये देखो अभी 6:05 हो रहा है, जल्दी 5 मिनट के अंदर जाता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश कर। तो मैं अभी बीच में डांस क्लास भी छोड़ दिया था, जैसे मैं आपको बताऊँ, फिर मैं अभी सिर्फ घर पे ही था, क्योंकि अभी फाइनल एग्ज़ाम, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चालू थे, उसके बाद अभी फाइनल एग्ज़ाम, उससे पहले नोटबुक चेकिंग थी इसके लिए।
लास्ट टाइम मैंने दो कंपटीशन अटेंड किए थे, एक एक 26 जनवरी को और एक गरबा वाला कुछ था, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, तो उसमें हम लोग फर्स्ट आए और उड़ी वाले में तो हम लोग आए नहीं। तो चलो अभी तो जाते हैं डांस क्लास, तो चलो तो मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं डांस क्लास गया था, तो डांस क्लास से मैं वापस आ चुका हूँ, मतलब मैं सोसाइटी में आ चुका हूँ वापस। तो देखो मेरे को पता नहीं 2-3 लोग बुला रहे हैं, एक तो बैठे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ, तो चलो यो यो। और हम प्रियंशु, मेरे को सुनने में तू 19 को कहीं पे जा रहा है, पापा किया इसने बंदे ने, नहीं 19 को कहीं पे जा रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है कहाँ पे, कहीं जा रहा है, क्या 19 को, 19 को भाग रहा है, मैं कहीं जा रहा है, 18 को मेरे मामा गन पर थर्ड ओनर, 19 को क्या, हाँ, अरे आलसी, कहाँ रखते मालदीव जाते हैं कितने तारीख को, तो मेरे हिसाब से आज का ब्लॉग पसंद आया होगा आपको, तो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो
और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। मैं अभी ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि घर में सब लोग सो चुके हैं, इसके लिए मैं धीरे से बात कर रहा हूँ। तो चलो ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। और आज का दिन तो आपने देखा, मैं इतने दिनों के बाद डांस क्लास गया, पर मम्मी पापा को कति पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। पता मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं पर अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं तो मतलब मेरे को जिस टाइप का सपोर्ट चाहिए उस टाइप का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है। मतलब मैं मेरे सोसाइटी में, मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे सोसाइटी में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, मतलब पढ़ने और सिर्फ मेरे सोसाइटी में खाली पढ़ने वाले लोग हैं, मतलब एक्टिविटी करने वाले कोई लोग नहीं। इसके लिए मतलब मैं भी अगर डांस की तरफ, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत आती है पर मैं कर नहीं पाता हूँ, ये सब मैं कल ही बताता, वो भी बताना ठीक नहीं है। तो मैं कल जब जल्द डालने जाऊँगा तब बताऊँगा। तो चलो आई होप यू, मतलब मैं तो बोल ही दिया था, मैं कल आपको बताता हूँ क्या बात है। तो चलो गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, ओके बाय।